दोस्तों क्या आप भी लेना चाहते हैं एसी और आप इसमें कंफ्यूज है कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्प्लिट एसी या विंडो एसी, और आप इसमें भी कंफ्यूज है कि कितने टन का आपको लेना चाहिए, एक टन, दो टन या तीन टन, तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो पूरी देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, एक टन का लेना चाहिए या दो टन का, और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने स्टार का आपको एसी लेना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम एसी ले रहे हैं तो। दोस्तों मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, मैं कर लेता हूँ वीडियो को स्टार्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिखा। सबसे पहले बात करते हैं कूलर और एसी में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, तो कूलर होता है वो एक तरह की एवोपरेटिव कूलिंग करता है, यानी कि कैसे कि एक पंखा होता है और उसके अंदर पानी होता है। आप जो दोस्तों कूलर के अंदर पानी डालते हो वो करता क्या है, उस पाइप जो आपके कूलर के अंदर एक पाइप होता है वो उससे पानी ऊपर नीचे आता रहता है, तो वो जो पानी ऊपर नीचे आता रहता है वो एक तरह की वेफर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो वेफर आपको ठंडी ठंडी हवा देते हैं, जो पानी आपने डाला है उसकी मदद से और उस पंखे की मदद से आपको मिलती है ठंडी ठंडी हवा। और एसी दोस्तों करता क्या है, एसी आपकी हवा को ही ठंडी कर देता है। दोस्तों ये अंतर होता है एसी और कूलर के बीच में। तो अब बात करते हैं स्प्लिट एसी और विंडो एसी की। दोस्तों विंडो एसी होता क्या है, दोस्तों विंडो एसी लग जाता है आपके घर की विंडो पे, ना फिर ऑफिस में जहां पर भी आप लगाओ वहां पे कोई विंडो हो तो विंडो एसी उसमें लग जाता है। उसकी आधी यूनिट तो उसके बाहर रहती है, आपके घर के बाहर यानी उस विंडो के बाहर रहती है, और आधी यूनिट उसकी मेन फैन आपके घर के अंदर रहती है और वो आपको हवा देती है। अब दोस्तों जो विंडो एसी होता है वो जो बाहर वाला यूनिट होता है वो उससे क्या करता है, गर्म हवा लेके आपको ठंडी हवा देता है। और जो स्प्लिट एसी होता है उसमें लगती है दो यूनिट यानी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। आउटडोर दोस्तों क्या करती है, आपके घर के बाहर लग जाती है, यानी कि आपके छत पे या बालकनी में किधर भी वो यूनिट लग जाती है। उस यूनिट को लगने के बाद एक दोस्तों उसके आती है स्प्लिट एसी, वो लग जाती है आपके रूम पे, यानी कि आपकी वॉल पे कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है, एक पाइप लगता है उन दोनों यूनिटों को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों वो आपकी वॉल में खड्डा करके वो लोग लगा देते हैं। दोस्तों क्या होता है, वो जो आउटडोर एसी होता है जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है वो आपके हवा को ठंडा करके उस पाइप की मदद से उस स्प्लिट एसी तक पहुंचाता है, और वो स्प्लिट एसी आप लोगों को ठंडी हवा देती है उस इंडोर एसी की मदद से। तो यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो इन दोनों का काम एक सेम ही होता है, पर वो विंडो एसी क्या करती है, आपकी जगह ज्यादा घेरती है। अगर आपके घर में विंडो नहीं है तो आप स्प्लिट एसी ही आपके पास एक ऑप्शन, आप विंडो एसी नहीं लगा सकते। और वो और जो स्प्लिट एसी होता है वो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता, वो आपकी वॉल पे माउंट हो जाता है, और उसका वो जो बॉक्स होता है मेन बॉक्स जिससे उसको हवा आती है वो आपकी छत पर ना फिर कहीं पर भी आपके खुले एरिया में लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों एसी लग जाती है। दोस्तों आज की बात करें तो हर कोई स्प्लिट एसी ही लगाता है, और जो कंपनी वाले हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप विंडो एसी लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सेटिंग करानी पड़ेगी, अपनी खिड़कियों में खड्डे कराने पड़ेंगे, उसको वॉल माउंट उसको माउंट करवाना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसे करके आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। और अगर आप वो करवाते हो तो उसमें एक आपका बॉक्स लग जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए, एक टन, दो टन या तीन टन। दोस्तों ये सब डिपेंड करता है आपके रूम साइज में, अगर आप रूम में एसी लगा रहे हो ना फिर आप अपने ऑफिस में कहीं पर भी एसी लगा रहे हो, ये आपका साइज पे डिपेंड होगा। ऐसे मान लीजिए दोस्तों एक आपका छोटा सा रूम है और आपने लगा दिया उसमें तीन टन का एसी, तो दोस्तों इससे आपको नुकसान क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आएगा और आपको हवा उतनी मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडा कर देगा। और अगर आपका रूम बहुत छोटा है और आप उसमें लगाते हो आधा टन या एक टन का एसी तो वो आपके लिए इनफ होगा। अब दोस्तों अगर आपका रूम बड़ा है और आप उसमें लगा ले तो आधे टन का एसी तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा हो जाएगा, उसको आपको लगाना चाहिए तीन या दो टन का एसी तो उसमें आपको लगाना ही चाहिए। उससे क्या होगा, आपके हर कोने में बराबर हवा फेंकेगा वो और अच्छी आपको हवा मिलेगी उससे। दोस्तों जो एसी का टन होता है वो पूरा डिपेंड होता है आपके रूम के साइज पे, कि कितना बड़ा आपका रूम है, कितना बड़ा स्पेस है, उस स्पेस के हिसाब से आप टन डिसाइड कर सकते हो। आप जब दोस्तों एसी लगाओ तब उस कंपनी वाले को लेकर आओ अपने घर में और बताओ कि मेरे को कौन सा टन बेस्ट रहेगा, ना फिर अपने रूम का साइज उसको बता दो तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों स्टार की, कि कितने स्टार वाली अपन को एसी लेनी चाहिए। दोस्तों एक होता है कि एक स्टार वाली में दोस्तों आपको लॉस क्या है, आपकी एसी बराबर होगी, सब कुछ एकदम सही चलेगा, पर उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। और अगर आप तीन स्टार की लेते हो तो उसमें थोड़ा सा कम होगा, और अगर आप पांच स्टार की लेते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी, उसमें बिल आपका बहुत ज्यादा कम आएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपने एक स्टार की एसी ले ली और उसको तीन महीने लगातार नॉन स्टॉप चलाया तो दोस्तों मान लीजिए आपका 10,000 का बिल आएगा। और दोस्तों अगर आपने तीन स्टार की एसी ली और आपने उसको तीन महीने लगातार चलाया तो आपका 8,000 का आएगा, यानी कि दोस्तों 1-2-3,000 के बीच में अराउंड करता रहता है ये, 1-2-3,000 के बीच में आपका होता है जो होता है, यानी एक से लेकर तीन तक आपको 1,000-2,000 और दो तीन से लेकर पांच तक भी आपका 1,000-2,000 के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक टन, दो टन, ना फिर कितने स्टार का। तो उम्मीद है दोस्तों इस बेसिक वीडियो में आपने सीख लिया होगा कितने टन का आपको एसी लेना चाहिए, कितने स्टार का लेना चाहिए, और एसी और कूलर के बीच में अंतर क्या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सीख लिया होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।